नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मातृका लाल। खबर 3 बजे की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी और दुखद खबर के साथ। साधु शहर से एक खबर जहां लापता बच्ची वैशाली का शव मिला है। आपको बताएंगे, 7 वर्षीय वैशाली कल दोपहर से लापता थी। पड़ोस के ही घर में पानी की टंकी में बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आपको बताएंगे साधु शहर से खबर। कल दोपहर से ही 7 वर्षीय वैशाली लापता थी। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर बच्ची के साथ क्या हुआ। इस वक्त आपको बता दें कि दुखद खबर ये कि जहां लापता बच्ची वैशाली का शव मिल चुका है, कल ही 7 साल की वैशाली लापता हुई थी और उसके बाद आज पड़ोस के ही घर में पानी की टंकी में बच्ची का शव मिलने से सनसनी। ये तस्वीरें हमने वो कल दिखाई थी जहां उस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जहां बच्ची अकेली नजर आ रही थी, लेकिन इसके बाद बच्ची नहीं मिली। 7 साल की वैशाली कल से लापता थी। ये तस्वीर उस मासूम वैशाली की, लेकिन आज आपको बताएं कि पड़ोस के ही घर में पानी की टंकी में बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और मौके पर भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया, क्योंकि परिजनों में आक्रोश होगा, रोष होगा। जहां कल से इस बच्ची की खबर थी, पुलिस हालांकि जांच में जुटी थी, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल पड़ोस के ही घर में पानी की टंकी में इस बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैली है। जयपुर में ट्रांसपोर्ट विभाग के निरीक्षक को एसीबी ने अवैध वसूली करते गिरफ्तार किया है। आरोपी मिथिलेश गुर्जर B2 बाईपास पर अवैध वसूली कर रहा था। एसीबी को लंबे समय से अवैध वसूली की शिकायत मिल रही थी। आपको बताएं कि एसीबी आरोपी से अब फिलहाल पूछताछ कर रही है। तो एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जहां ट्रांसपोर्ट विभाग के निरीक्षक को अवैध वसूली करते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया है। जयपुर से इस वक्त की अहम खबर, जहां आरोपी मिथिलेश गुर्जर B2 बाईपास पर अवैध वसूली कर रहा था और लंबे समय से एसीबी को इसकी शिकायत मिल रही थी, लेकिन आज जब एसीबी कार्रवाई करने पहुंची तो आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। जयपुर से यह खबर, जहां ट्रांसपोर्ट विभाग के निरीक्षक को गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जहां अवैध वसूली करते इसे गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी B2 बाईपास पर अवैध वसूली कर रहा था और लंबे समय से एसीबी के पास इससे शिकायतें मिल रही थी। उसके बाद जब एसीबी ने जांच पड़ताल की तो ये सही पाया गया और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल एसीबी आरोपी से पूछताछ कर रही है। पढ़े लिखे लोग अभद्रता पर उतर आएं तो फिर ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए। जयपुर में नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा संकुल में चल रही बैठक में शिक्षा परिवार समिति के सदस्यों ने इतनी अभद्रता की कि पुलिस को बुलाना पड़ा। शिक्षा परिवार समिति के सदस्यों ने बैठक में पहुंचकर शिक्षा मंत्री कालचंद सराफ और वासुदेव देवनानी से अभद्रता की और बैठक में जमकर हंगामा काटा। हंगामे को देखते हुए पुलिस को दखल देना पड़ा और पुलिस ने भी हंगामा करने वाले को बाहर निकाल दिया। संकुल से बाहर निकलकर भी शिक्षा परिवार के सदस्य हंगामा करते रहे और इनकी वजह से इस मीटिंग में व्यवधान पड़ गया। तो जहां पढ़े लिखे लोगों से भी अगर इस तरह से व्यवहार करें, इस तरह के व्यवहार को भी अपनाएं, तो क्या उम्मीद लगाई जाए। बाकी सारे मुद्दे
शिक्षा नीति पर बैठक चल रही थी और उसी में एक बवाल हुआ। क्या उम्मीद लगाई जाए कि क्या ये लोग शिक्षा नीति बनाएंगे, क्या इस तरह से शिक्षा नीति में बदलाव और उसमें नीतियों को परखा जाएगा, बनाया जाएगा, ऐसे लोगों से कोई उम्मीद की जाए जो खुद पढ़ लिख होने के बावजूद इस बैठक में पहुंचते हैं। शिक्षा मंत्री कालचरण सराफ और वासुदेव देवनानी से अभद्रता करते हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए यहां तक कि पुलिस को भी दखल देना पड़ता है। ललित हमारे साथ बने हुए जी मीडिया संवाददाता। ललित, क्या ये बवाल था, आखिर इस तरह का हंगामा क्यों हुआ और उसके बाद क्या स्थिति बनी? ये माधुरी, जैसा कि हम आपको बता दें कि जिस प्रकार आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको लेकर जो मीटिंग आयोजित हो रही थी, हालांकि इसमें निजी विद्यालय थे उनको भी आमंत्रित किया गया था क्योंकि ऑनलाइन जो जानकारी थी वो मांगी गई थी, सुझाव मांगे गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो शिक्षा परिवार समिति है उसके सदस्य वहां मीटिंग में पहुंच गए और वहां जाके हंगामा कर दिया। इनके साथ ही उन्होंने जो उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ हैं, शिक्षा मंत्री हैं वासुदेव नानी, उनके साथ अभद्रता की, उनने बहुत उल्टा सीधा कहा। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच के उन सभी सदस्यों को बाहर निकाल दिया। हालांकि बाहर निकले बाद भी वे हंगामा करते रहे और जब मीटिंग खत्म हो गई तो मीटिंग के जाने के बाद भी जब मंत्री वहां से जा रहे थे तो वे नारेबाजी करते हुए काफी आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। जी माधुरी, बिल्कुल। उसके बाद पुलिस की क्या कार्रवाई हुई? जैसा कि उनको सिर्फ बाहर निकाला गया, मंत्री जो वासुदेव देवनानी हैं उन्होंने भी ये कहा कि जिन विद्यालयों को बुलाया गया था सिर्फ वही आए थे, जिन विद्यालयों को नहीं बुलाया गया था उनका यहाँ पर कोई औचित्य नहीं था। हालांकि जो शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करी गई, सिर्फ पुलिस के द्वारा उनको बाहर ही खदेड़ दिया गया था। जी माधुरी, चलिए शुक्रिया ललित जानकारी पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि फिलहाल ये जो तमाम तस्वीरें आपने देखी, ये जो बवाल हम आपको दिखा पाए, ये शिक्षा संकुल का बवाल था जहां शिक्षा नीति पर जो बैठक बुलाई गई थी जिनमें जिन स्कूल्स को बुलाया गया था उनके ही अधिकारियों के अलावा वहां कोई नहीं पहुंचने वाला था, किसी का औचित्य नहीं बनता था, लेकिन बावजूद इसके भी शिक्षा परिवार के सदस्य यहां हंगामा करते नजर आए और इतना हंगामा हुआ कि पुलिस को दखल भी देना पड़ा। प्रदेश में बीजेपी सरकार भले ही 2 साल की उपलब्धियों पर वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रही हो लेकिन कांग्रेस सरकार पर हमले कराने से नहीं चूक रही। विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार को सभी मोर्चों पर विफल करार दे रही है। वसुंधरा सरकार पर सचिन पायलट ने एक बार फिर हमला बोला है। झालावाड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में जा रहे पायलट ने टोंक में कहा कि प्रदेश सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है, गांव में सूखा है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, सरकार के पास कोई नीति नहीं है और प्रदेश में असुरक्षा का माहौल है। सरकार को 2 साल पूरे हो गए, कब तक पिछली सरकारों को कोसकर अपना समय निकालेंगे? 2 साल में अपने जबान से किए गए वादे सरकार निभा नहीं पा रही है। पूरे प्रदेश में अधिकांश जिलों के अंदर आज सूखे की स्थिति पैदा हुई है, कोई कंटीजेंसी का प्लान नहीं बना है पर आज भी सिर्फ घोषणाएं हो रही है। 2 साल के कार्यकाल के बाद दिखाने के लिए जमीन पे कुछ नहीं है। जुवेनाइल बिल को पायलट ने सही बताया। DDCA में घोटाले के मुद्दे पर जेटली का इस्तीफा मांगा, साथ ही उन्होंने कहा कि CBI और CID का दुरुपयोग किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार 2 मुहा रवैया अपना रही है। वसुंधरा पर कार्रवाई न होना यही साबित करता है जो परंपरा के खिलाफ है। जब कांग्रेस पार्टी के मंत्री पर आरोप लगे थे, चाहे पवन बंसल जी हों चाहे अश्विनी कुमार जी हों, बिना तथ्यों के बिना प्रमाणता के उनका इस्तीफा लिया गया था क्योंकि लोकसभा में विधानसभा में हर जगह जो चुने हुए व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर एक नैतिकता की कुछ आहट होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो जांच होने से किसी को क्या परहेज हो सकता है, और CBI हो या ED हो उनको जांच करने के लिए सिर्फ कांग्रेस के नेता मिलते हैं। उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि BJP का सूपड़ा साफ हो जाएगा, कांग्रेस एक बार फिर भारी बहुमत के साथ सत्ता में होगी। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया, टोंक। झालावाड़ में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कैटरपिलर के हैवी अर्थ मूवर्स रखरखाव और प्रशिक्षण का रिबन काट का शुभारंभ किया। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसका CM ने अवलोकन किया। हैवी अर्थ मूवर्स की शुरुआत से ITI छात्रों को काफी फायदा होगा। पहले बैच में 30 छात्र ट्रेनिंग लेंगे। ITI छात्रों को यहाँ नई सुविधाएं भी मिलेंगी। इंफोसिस वाले SEZ जयपुर के अंदर उन्हें मंजूरी दे के और वो वहां सेटअप करने आए,
उसके पहले बड़ी मुश्किल से जब मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा कैसे आएंगे हम, तो आएंगे भी तो हमारी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हमको बच्चे नहीं मिलते, ट्रेंड बच्चे, स्किल्ड बच्चे नहीं मिलते, तो हमें तो वापस जाके बैंगलोर से या जिस एरिया से हमारी पहचान है वहां से हम अपने बच्चों को लाना, हमें फिर मजबूरी हो जाती है। हमने उसी दिन ये तय किया था कि राजस्थान के अंदर कंपनीज को लाना, क्योंकि जब तक निवेश नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कंपनी सेटअप नहीं होंगी, तब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रदेश के अंदर नहीं हो सकती। एलन कोचिंग के छात्र शिवदत्त के परिजन कोटा पहुंच गए और शिवदत्त का पोस्टमार्टम भी करवा लिया गया। धौलपुर के रहने वाले शिवदत्त ने कल आत्महत्या कर ली थी। शिवदत्त एलन ने मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहा था लेकिन तनाव के चलते उसने आत्महत्या की। आज उसके परिजन धौलपुर से कोटा पहुंचे जहां उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया। और आपको ये भी बता दें कि शिवदत्त के परिजन उसका शव लेकर धौलपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। सर ऐसे इंडिकेशन से पहले देता रहता था तो मैंने भी ज़्यादा गौर करना बंद कर दिया था ऐसे, मतलब कभी कभी वरना खुश मिजाज था उसके चेहरे से, कभी 3-4 साल हो गए साथ रहते रहते, कुछ भी इतना खुश मिजाज रहता है कि शायद कोई ही पता लगा सके कि इसके भीतर क्या चल रहा है। सपना ये था कि वो चाहता था कि मेरे ताऊजी की तरह बनना, वो कहता था कि मेरी फैमिली में कोई नहीं है, मैं खुद बन के पूरी फैमिली को उठाना चाहता हूँ, छोटे भाई चाचे रहता तेरे सब, ये कहता था कि, और फिर कहता था कि यार सिर्फ सिलेक्शन है सब कुछ भी नहीं है, अभी टेस्ट सा खराब हो गया था तो कह रहा है कि सिलेक्शन सब कुछ नहीं होता, नॉलेज भी कुछ चीज़ होती है। वैसे तो इस साल मुझे कुछ मिल गया, वेटनरी BBSC कुछ भी तो मैं ले लूँगा, वरना DU से BSC करूँगा। नहीं सर कोई सपना नहीं, सपने की कोई बात ही नहीं थी। मैंने तो ये बोला था जैसे किसान खेती करता है तो आखिर को फसल भी नष्ट हो जाती है कभी कभार, ऐसी कोई बात नहीं थी। कोचिंग संस्थान कितने दोषी, क्योंकि सपना दिखाते हैं डॉक्टर बनाने का लेकिन बाद में बच्चा चला जाता है किसी का, क्या कुछ होना चाहिए? नहीं ऐसा नहीं था, ये तो चला गया पता ही नहीं कैसे हुआ। मेरे से बात हुई 16 को उसने फोन किया, मैं 17 को पैसा डाला उसके खाते में, उसने 17 में फॉर्म भरा है। खबर कोटा से ही जहां एक युवक को शरारत की ऐसी सजा दी गई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। पंक्चर की एक दुकान पर एक युवक को शरारत की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी क्योंकि पंक्चर की दुकान चलाने वाले ने शरारत करने वाले युवक के प्राइवेट पार्ट में कंप्रेसर से हवा भर दी। हवा भरते ही युवक की हालत बिगड़ी और उसने दम तोड़ दिया। ये पूरा वाकया कोटा के RK पुरम थाना इलाके का है। दरअसल पंक्चर की दुकान पर एक युवक शरारत कर रहा था। पंक्चर की दुकान चलाने वाले मुरारी ने इस युवक की शरारत से तंग आकर ऐसी शरारत की कि जिसने युवक मनीष की जिंदगी से ही उसे हाथ धोना पड़ा। मृतक के परिजनों ने पंक्चर की दुकान चलाने वाले के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है और इधर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरन और मुरारी है तो इसमें मुरारी जो है यहाँ पे ये पंचर भर रहा था तो उसने आगे कुछ इनसे आपस में गाली गलौज करने लगा तो मजाक में जो है उसने इसकी तरफ कंप्रेसर ये नोजल का मुंह इस तरफ किया तो इस वजह से उसके जो मनीष है उसकी यहाँ पे हवा भरने से उसकी मृत्यु हो गई। प्रतापगढ़ में इन दिनों किसान नील गाय से परेशान है। इससे बचने के लिए किसान अपने खेतों के चारों ओर तारबंदी भी करते हैं लेकिन नील गाय का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। प्रकृति के कहर, फसलों में कीड़े लगने के अलावा किसान जानवरों से भी परेशान रहता है। प्रतापगढ़ के किसान नील गाय के आतंक से परेशान हैं। नील गाय उनकी आंखों के सामने फसलों को चौपट कर रही है और वह कुछ नहीं कर पा रहा है। किसान खेत के चारों तरफ तारबंदी भी कर रहे हैं लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा। रोदड़े की वजह से बहुत परेशान है, रोदड़े बहुत नुकसान करते हैं, पानी भी कम है, पानी की वजह से भी नुकसान है, रोजड़े जी इतना नुकसान 150 रोजड़े की वजह से बहुत परेशान है। तार वार भी लगा रखे फिर भी रात भर यहीं रहना पड़ता है, इस वजह से हम परेशान हो रहे हैं। सूखे के साथ साथ नील गाय ने भी किसानों की परेशानी दोगुनी कर दी है। सारी कोशिश करने के बाद अब किसान समाधान के लिए प्रशासन की तरफ देख रहा है।
प्रवेश परदेसी, जी मीडिया प्रतापगढ़। राजस्थान में राजधानी जयपुर समेत तकरीबन सभी जिले कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। जयपुर में जहां पारा मंगलवार रात 6 डिग्री तक लुढ़क गया, वहीं नागौर में ठंड ने एक शख्स की जान ले ली। बारा में कड़ाके की सर्दी में भी बेघर फुटपाथ और डिवाइडर पर रात गुजारने को लोग मजबूर हैं, तो करौली में पान की खेती करने वाले किसानों पर कोहरे की मार पड़ी है। कड़ाके की सर्दी और कोहरे की वजह से ज्यादातर शहरों में सुबह के वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, वहीं विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़क हादसों में भी इजाफा हो गया है। सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा तो ले रहे हैं, लेकिन गरीबों पर और फुटपाथ पर रात गुजारने वालों पर सर्दी सबसे ज्यादा सितम ढा रही है। प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा होने की वजह से सुबह 10 बजे तक सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। खबर नागौर से, जहां जिले के जसनगर में सर्दी के चलते एक शख्स की मौत हो गई। प्राइवेट बस स्टेशन परिसर में झींटिया निवासी नेमी चंद का शव पड़ा मिला, तो बस स्टेशन के आसपास सनसनी फैल गई। लोगों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मृतक के परिजनों को सूचित किया गया। पुलिस के मुताबिक मृतक नेमी चंद आदतन शराबी था और शराब के अधिक सेवन और सर्दी की चपेट में आने की वजह से ही उसकी मौत हो गई। विमान हादसे में शिकार हुए 10 लोगों में कैप्टन भगवती प्रसाद भट्ट भी थे। कैप्टन भट्ट के साथ राजेश शिवरैन को पायलट थे। कैप्टन भट्ट का परिवार सदमे की वजह से कुछ भी नहीं बोल पा रहा। जवान बेटी को खोकर मां का बुरा हाल है। 2 महीने का मासूम बेटा पापा भी नहीं बोल पाया था कि इस हादसे ने उसके सिर से पिता का साया छीन लिया। वहीं पति को ताबूतों में देख पत्नी बेसुध पड़ी है। ये सवाल किसी एक शहीद के परिवार का नहीं है। प्लेन हादसे में अपनी जान गंवाकर हजारों की जिंदगी बचाने वाले पायलट भगवती भट्ट के पड़ोसी सचिन का भी सरकार से यही सवाल है। सिविल एविएशन में इतने सारे प्लेन उड़ते हैं, कभी इतने हादसे नहीं देखने होते, लेकिन ये आर्म फोर्सेस में ऐसे क्या गड़बड़ है कि टेक्निकल स्नैक हर बार आर्म फोर्सेस के प्लेन्स में ही मिलती है? क्यों इसकी जांच नहीं होती? क्यों चेक नहीं होते? क्या ये पायलट किसी के बच्चे नहीं है? क्या नहीं है? किसी की लाइफ जा रही है? आप क्या देख रहे हो? क्या कर रहे हो? भगवती भट्ट देहरादून के रहने वाले थे। देहरादून में पुश्तैनी घर है। घर पर बड़े भाई, भाभी और भतीजे हैं। अर्जुन अपने चाचा की राह देख रहा है। अर्जुन कहता है कि चाचा ने फोन करके जल्द ही आने का वादा किया था, लेकिन अब चाचा कभी नहीं आएंगे। चाचा कहते थे कि बड़ा होकर तुम्हें भी मेरी तरह देश की सेवा करनी है, सेना में जाना है। कहा कि पढ़ाई अच्छे से करो, तब कहते बड़ा होके आप मेरे जैसे बनोगे। दिल्ली में हुए बीएसएफ चार्टर प्लेन के हादसे में निकली मातम की तस्वीर पूरे देश में फैली है। एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद बीएसएफ ज्वाइन कर लेने वाले जांबाज ऑफिसर राघवेंद्र यादव मूल रूप से यूपी के कन्नौज के रहने वाले थे। इनके परिवार में सब सेना की ही सेवा में हैं। कानपुर के रहने वाले राघवेंद्र के चचेरे भाई नरेश यादव बड़े गर्व से बताते हैं कि छोटा राघवेंद्र अक्सर उनसे कहता था कि मौत उनका क्या बिगाड़ेगी। पिछले साल कह रहा था कि एक साल अधिका में कांगो लड़ाई लड़के आया हूँ, मौत मुंह से आया, मौत जीत का आया हूँ, मौत से नहीं करता। राघवेंद्र की बूढ़ी माँ कानपुर में रहती है। हादसे की खबर पहुँचते ही परिवार में मातम पसर गया।
बूढ़ी माँ बेटे की मौत की खबर सुनकर बदहवास हो गई, लेकिन माँ को इस बात की तसल्ली है कि बेटे ने इस दुनिया को अलविदा कहते कहते भी न जाने कितनी जिंदगियों को बचा लिया। देहरादून से सोनू सिंह, भिवानी से कुलबीर दीवान, कानपुर से मोहम्मद उजैर और दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दो दिन के दौरे पर अमेठी पहुंचे राहुल गांधी के सामने आज कांग्रेस के दो गुट आपस में भिड़ गए। जो कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ स्टेज पर खड़ा था, उसी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी की गाड़ी आगे बढ़ते ही दूसरे कांग्रेसी कार्यकर्ता के सिर पर ईंट से हमला कर दिया। ये घटना अमेठी के सलून की है, जहां राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, लेकिन शायद राहुल गांधी की मौजूदगी भी कार्यकर्ताओं की गुटबाजी को खत्म नहीं कर सकी। भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस पूरे जनपद में जहाँ धन्यवाद देता हूँ, नव वर्ष मुबारकबाद देता हूँ। भैया मैं आपको आशा दिलाता हूँ, भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस पूरे जनपद में जहाँ धन्यवाद देता हूँ, नव वर्ष मुबारकबाद देता हूँ। भैया मैं आपको आशा दिलाता हूँ, भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस पूरे जनपद में जहाँ धन्यवाद देता हूँ, नव वर्ष। अंगूठी में एक अदद हीरा लगाने की आस सबकी होती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे रिंग दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक दो नहीं बल्कि 3,827 डायमंड जड़े हैं। इस बेशकीमती अंगूठी का निर्माण भारत में हुआ है और इस अजूबे को गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिल चुकी है। जयपुर ज्वेलरी शो में एक अंगूठी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा हुआ है। इस अंगूठी की खासियत है कि इसमें करीब 3,827 डायमंड लगे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 3,827 डायमंड। इतने डायमंड लगी अंगूठी को बनाने में ज्वेलर आशीष को 3.5 साल का समय लगा है। अब इस नायाब हुनर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। आपको ये बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि पूरे भारतवर्ष से अपन पहले ज्वेलर हैं जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसा सम्मान मिला है। इसको बनाने में हमको 3.5 साल लगे और मेन चीज़ ये है कि इसके अंदर जो क्वालिटी ऑफ डायमंड्स हैं वो VVS EF लिया है। अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्या है इस अंगूठी में जो इसे बनाता है इतना खास। राष्ट्रीय पक्षी मोर की आकृति में बनी अंगूठी करीब 3,827 डायमंड लगे हैं अंगूठी में। 3.5 साल की मेहनत से जयपुर में तैयार हुई अंगूठी 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड में बनाया गया है। VVS क्वालिटी के डायमंड का इस्तेमाल 30 सितंबर 2015 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान 18 करोड़ रुपए की तय की गई है इस अंगूठी की कीमत। देश में पहली बार किसी डायमंड रिंग को मिला यह खिताब। इससे पहले यह रिकॉर्ड रशिया के पास था, जिसने करीब 2,525 डायमंड लगाकर रिंग तैयार की थी। उसके बाद आशीष और अभिषेक ने पिकॉक रिंग तैयार की और परिणाम सबके सामने हैं। तो इससे पहले रशियन का एक रिकॉर्ड था जो था 2,525 डायमंड का, उसको हम लोगों ने डेढ़ गुने से 3,827 डायमंड से ब्रेक किया है। और इसमें गिनीज वाले ही वैल्यूएट करते हैं रिंग को, इसमें हम कुछ भी प्राइसिंग नहीं बताते हैं। गिनीज ने रशियन रिंग को 9 करोड़ रुपए की बताई थी और हमारी रिंग की वैल्यूएशन करी है 18 करोड़। JJS में करीब 15,000 लोगों ने इस नायाब रिंग को करीब से निहारा है और कुछ ने इसे खरीदने की इच्छा भी जाहिर की है, लेकिन इसे बनाने वालों के लिए यह अनमोल है और उनके मुताबिक अनमोल चीजें बेची नहीं जाती। सचिन कुमार, जी मीडिया, जयपुर। खबर 3 बजे में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।